देख सकते हो हमारे के पुल के ऊपर, तो आप देख सकते हो चिन्याल सोड़ के अंदर कुछ पुल, चिन्याल सोड़ के अंदर पुल भाई, उसके नीचे भराओ पानी, जल्दी से पुल टूट गया तो चले जाएंगे पानी के अंदर। ये देख सकते हो, भाई देख सकते हो हमारे का चिन्याल सोड़ के पुल के अंदर, मतलब पुल पे घूमने के लिए। यार दरअसल मैं भी मतलब बहुत दिनों बाद घर आ रहा हूँ, तो मैंने यार सोचा कि आपको कुछ दिखाता हूँ। तो भाई अब पहले तो मैं जब नीचे गया था उस टाइम यहाँ पूरा खाली था, उस टाइम बहुत ऊपर से मिट्टी गिर रही थी, उसे नीचे पत्थर दिख रहा था, नीचे वो नीचे नहीं अब तो पानी दिख रहा है, पहले नीचे मतलब पत्थर ऊपर से तो बहुत आवाज़ आ रही थी, अब तो पानी भाई रास्ते में टच हो चुका है। तो आप देख सकते हो पानी भर चुका है, मतलब ये 6 महीने के लिए पानी स्टोर रहता है यहाँ पे, जो नाइट एरिया है, नाइट एरिया से मतलब जो डैम का पानी वो यहाँ तक भर चुका है, जो चिन्याल सोड़ है मतलब यहाँ से बहुत दूर तक है भाई, तो ये पानी भर चुका है। बाकी हमारे से पुल के ऊपर आप देख सकते हो चिन्याल सोड़ के अंदर कुछ पुल इस प्रकार से, वो ये पुल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ भाई, मतलब इसकी रिपेयरिंग अभी तक हुई नहीं है, आज से मतलब 1.5-2 साल पहले भी ऐसी था और आज भी ऐसी है ये पुल, तो भाई इसका भरोसा नहीं है कभी टूट जाए कब क्या हो जाए। तो इस हम चलते हैं और इससे पुल से निकलते हैं साइड पे, चलो आ जाओ पुल से चलते हैं भाई। और साथ में आप देख सकते हो कैमरामैन हमारा बना चुका है, एक कैमरामैन ये हमारा, तो देख सकते हो भाई आप मंजू देवी को जो कि आपको दिखा रहे हैं मंदिर, पीपल का पेड़ भी डूब गया ना, पीपल के पेड़ से खत्म हो चुका है। तो देख सकते हो भाई कुछ पानी इस प्रकार से मंदिर की सीढ़ियों में टच हो चुका पानी, और बाकी भाई इतना पानी है कि आप क्या बताना भाई। तो भाई चलते हैं और निकलते हैं पुल से बाहर, क्योंकि भाई पता नहीं है कि पुल का भरोसा नहीं भाई, क्योंकि 2-3 साल पहले से ऐसे था और आज भी ऐसी है, देखो आप कैसा टूटा पड़ा है भाई, ये कोई पुल का कोई भरोसा नहीं भाई। वैसे जैसे गाड़ियाँ आ रही तो बहुत तेज़ी से हिल रहा भाई, ये गाड़ियाँ आने के टाइम पर काफ़ी मतलब भाई गाड़ियाँ आ रही तो पुल बहुत गंदी तरीके से हिल रहा है, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। चलो भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, ये देख सकते हो गाइस ये हम आर्च ब्रिज पे जो ना सबसे लंबा ब्रिज है ना, जो टेरी वाला तो वहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी है और यहाँ पे हमारे के पास हस्बैंड जी और मैं, शाम का टाइम हो रहा है, कुछ टाइम पहले ना यहाँ जितना आपको ये पानी दिख रहा है यहाँ पे पूरा रेत ही रेत था चारों तरफ ना, अब विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना पानी आया। ये मंदिर देख सकते हो भाई, भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ नीचे पे, और ये देखो मंदिर के ठीक सीढ़ियों तक भी पानी आ गया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतना खतरनाक, देखने में भी डर लग रहा है। बाकी चलते हैं क्योंकि फोन फान ना गिर जाए, और ये पुल भी ना थोड़ा हिल रहा है तो डर टाइप का लग रहा है भाई। ये देख सकते हो पुल काफ़ी प्यारा है, आपको उधर से दिखाएंगे, और कौन सा देख सकते हो पूरा नीला, अगर इसमें ना कोई बंदर डूब जाए ना कसम से मिलने वाला है ही नहीं, या तो मुश्किल ही कोई तो चलते हैं भाई आपको थोड़ा मतलब सामने से दिखाएंगे यहाँ का नजारा, मोड़ लो है ये देख सकते इतना हिल रहा ना, थप 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 भयंकर हिल रहा भाई बैठो ऐसे बैठ के मोड़ो भाई, पता ही है भाई चिन्याल सोड़ का पुल जो कि है, तो आप उसका व्यू भाई कुछ इस पर के साथ तो देखो व्यू। बाकी हम चल रहे मस्त तरीके से चिन्याल सोड़ के अंदर देख सकते हो भाई, और हमारे पास कोई स्टैंड है नहीं, हाथ से मतलब फोन पकड़ना पड़ रहा है, हाथ से स्कूटी चलानी पड़ रही है। बाकी आपको यहाँ का व्यू दिखाने के लिए हम आ चुके हैं आज पुल के ऊपर, और बाकी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा भाई मस्त तरीके से देख सकते हो। बाकी अपने कैमरे में हम फोन पकड़ाते हैं चलते हैं। इधर कहाँ से जा रहे हो तुम ले, अरे ये देखो गाइस
थोड़ा लाद मारेगा। स्पीड में भगा रहे ना, कहाँ से दिखाना आप लोगों को, आगे जाके दिखाएंगे भाई आप लोग क्योंकि भाई पूरे रोड पे और घोड़े को तो ला देंगे। घूमने लायक ना बहुत प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पे, बस टाइम होना चाहिए और स्कूटी में तेल होना चाहिए। ये देख सकते हो भाई हर जगह पानी पानी, इतना बड़ा झील आपने देखा नहीं होगा, वो भी कैमरे में तो थोड़ा ही दिख रहा है ये, बट देख सकते हो पानी चल ही रहा है। आप सामने देख सकते हो मतलब मैं पुल से इधर आ चुका हूँ जो देवी सौड़ के रोड पे, वो देवी सौड़ के रोड पे भाई थोड़ा बाहर से गलत हूँ, तो देवी सौड़ के रोड से इधर आके भाई वहाँ पे भैरव का मंदिर है, भैरव मंदिर से जस्ट आगे आके मैं थोड़ा आपको दिखाने आया हूँ सामने, तो आप देख सकते हो ये पहाड़ बहुत ऊँचा दिखाई देता है भाई, जो आपकी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है मतलब इतना पानी भर चुका है यहाँ पे, तो बाकी मतलब जो नगोड़ था भाई पूरा फिल्ट था, यहाँ रेत रोत भरी हुई थी, अब सारा ये पानी के अंदर डूब चुका है मस्त तरीके से, आप देख सकते हो जहाँ तक नज़र पड़ रही है वहाँ तक पानी दिखेगा आपको, जहाँ तक नज़र पड़ेगी वो देखो भाई सामने, जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ तक पानी, तो कैमरा मैन आप जूम करके दिखा सकते हो कि सामने से पानी चमक रहा है और यहाँ तक पानी है भाई, पानी पानी भरा हुआ सारी जगह, दिखा तो दिया, ये पानी इस तरफ चल रहा है कि उस तरफ पता ही नहीं चल रहा, ये पानी हिल रहा है उधर से आ रहा ना, ये पानी उधर से ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है, लेकिन पानी हिल हिल के ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मतलब ये पानी जितना ऊपर हिल रहा है ना उससे ज्यादा तेजी नीचे इसके अंदर चल रहा है भाई, अगर इसके अंदर कोई डूब गया तो बचने की संभावना ना मतलब ना क्या बच ही नहीं सकता हो, ये समझो तुम अगर वो डूब गया तो, और सामने देख सकते हो अगर दिख रहा होगा आपको कैमरे पे तो उधर हमने मच्छी मारने वाला आए हो पानी के ऊपर, देखो किधर पे सामने, खुली हवाओं में देख सकते हो आप नीचे पानी, बस हो गया बहुत हो गया चलाओ, डर ही नहीं रानी, जो उसके बीच में है ना पत्थर है वो, मच्छी मारने वाला है ये, मच्छी मारने वो जाली रखी है उसने साथ में, कितने हो रहा है ये मच्छी वाला, तो क्या होगा शरीर इसको, डर नहीं लग रहा है, अरे डर नहीं लग रहा उसको, डर क्यों लग रहा है ना, वो अंदर बैठा कौन से पानी में तैर रहा है कसम, मतलब यही के बंद है कि बाहर के ओके हुआ, कोई ना उतर रहा है मच्छी मार रहा है नाव में बैठ के जाली में, हो गया चलो बहुत मार दी इसने मच्छी, और जो दिख रहा है वो भी मंदिर है, बस इतना ही एक नंबर बड़े हो रहे थे यहाँ पे देख सकते हो मनचाओ सूप, क्या बोलते हैं टिक्का, पनीर टिक्का छोटी इस छोटी नहीं,
हाँ तो यही ठीक है, कोई नहीं। हाँ चटनी है, ये चटनी है। खाने की तो तैयारी में भाई, खाने के लिए हम तो होटल लाइन वाले बनते हैं, हम तो बिल जाते हैं पूरा पनीर टिक्का, ये तो कुछ ही नहीं है। तो हमारे दोस्त बोल रहे कि भैया को दिखाओ बोल ब्लॉग में। भाई भैया तो आजकल वैसे घरे बाहर का आजकल एंजॉय, जैसे बोस पनीर टिक्का मतलब होटल पे कभी खाए नहीं, पर यहाँ खाते हैं। मतलब भाभी की वीडियो अच्छी नहीं लग रही, भैया को दिखाओ बोला। अरे ऐसे बात हो गई, लो भाई तुम्हारे भैया को देखो यहाँ पे पनीर टिक्का खा रहे हैं, तो खाते हम भी मनचाओ सूप। मनचाओ सूप दिस इज द पनीर टिक्का। वाओ जल्दी वाले से यो पनीर जल्दी मेरे बेटे पक्के नहीं, उसने बोला जल्दी बाजार के कस्टमर तो नहीं है कहीं, है नहीं रोज आके कुछ ना कुछ खा के वीडियो बनाया क्यों गर्म गर्म खाने में मजा आता है, खा ले इसको, खा ले। मैं तो बनाता हूँ होटल में पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, चाप चाप होता है सही का चाप। बंदर की तरह चप चप ऐसा खा के दिखाते ना हम। ये पनीर टिक्का और ये रही चटनी। अरे गया हो जाएगा, यहाँ पे तो जूसर भी है ना।